आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में विभिन्न योजनाओं को और अनेक जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व में G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है और उसमें विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत पधार रहे हैं उन सबका स्वागत किया। कैबिनेट ने इस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद किया कि उनके नेतृत्व में ये देश विश्व के मानचित्र पर अपना एक अलग स्थान बनाने में सफल रहा है। G20 देशों की अध्यक्षता करना निश्चित रूप से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जो अनूठी पहचान है उसको प्रतिपादित करता है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भारत में आए सभी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दी है कि उनके नेतृत्व में ये G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक निष्पादित हो रहा है। विगत दिनों मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर बड़ा संशय था। अल्प वर्षा के कारण फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका थी। अल्प वर्षा के कारण बिजली की डिमांड में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ था। हमारा जनरेशन और जनरेशन के अलावा यदि हम अलग अलग क्षेत्रों से बिजली की आपूर्ति के लिए उसकी खरीदी करते हैं उसके बाद भी बिजली का संकट का निदान शायद हम नहीं कर पाते। कहा जाता है यदि कोई दिक्कत है तो हम सबको भगवान के चरणों में जाना है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विगत दिनों हम सबके पालनहार महाकाल बाबा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बारिश हो महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिले इसकी प्रार्थना की थी, पूजा की थी, अर्चना की थी। आज कैबिनेट में महाकाल बाबा के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया क्योंकि उस दिन से ही मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो गई है और किसानों की खेती पर जो संकट था वो टल गया है। किसानों के चेहरे पर महाकाल बाबा की कृपा से खुशी आई है, हंसी आई है। आज कैबिनेट की बैठक में महाकाल बाबा को प्रणाम किया और उनकी इसी अनुकंपा और आशीर्वाद की आकांक्षा की अभिलाषा भी रखी है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों उसका उद्घाटन किया। नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के अलग अलग स्रोत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सांची ने एक बड़ा कदम उठाया है। सांची वासियों को भी और उस सांची को सोलर सिटी बनाने में जो जो अधिकारी कर्मचारी और विभाग लगे उन सबको बधाई दी गई और इस बात की कटिबद्धता स्थापित की गई कि हम वैकल्पिक ऊर्जा के जो जो स्रोत हैं उसको मध्य प्रदेश में और विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। आज एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों तथा निशक्त जनों के बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए जो विशेष अभियान था उसकी दिनांक अभी तक 1 जुलाई 2023 थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है कि इस जो समय सीमा है इसको बढ़ाकर 23 जून 2024 तक किया जाए। लगभग एक वर्ष की इसमें वृद्धि की गई है जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग निशक्त जन के बैकलॉग की और कैरी फॉरवर्ड की पदों की पूर्ति में आसानी होगी और ऐसे वर्गों के लोगों को नौकरी मिलने के और अवसर सृजित होंगे। आज
अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय कैबिनेट की बैठक ने लिया में लिया गया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात की इच्छा व्यक्त की थी और अतिथि शिक्षकों के जीवन में और सुधार के लिए सरकार की कटिबद्धता को स्थापित किया था, उस परिपेक्ष में आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षक वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन का जो वर्तमान मानदेय है उसमें इजाफा करते हुए उसको दुगना किया गया है। अतिथि शिक्षक वर्ग एक का जो मानदेय था वो 9,000 रुपए है, उसको बढ़ाकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18,000 रुपए कर दिया है। वर्ग दो का जो 7,000 रुपए मानदेय था उसको बढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर 14,000 रुपए कर दिया गया है और वर्ग तीन का जो मानदेय था वो 5,000 रुपए था उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यह अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में की है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। निश्चित रूप से इससे अतिथि शिक्षकों को बहुत लाभ मिलेगा। मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन विभिन्न प्रदेशों को दी है उस गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लागू करने की सहमति आज की कैबिनेट में दी गई है। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि बरखेड़ा बोदर मऊ तहसील हुजूर में है, उसके विस्तार के लिए और उसमें और रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को विस्तारित करने के लिए लंबे समय से भूमि की आवश्यकता की वहां से मांग हो रही थी। आज कैबिनेट की बैठक में उनको 12 हेक्टेयर जमीन देने की जो निर्णय था उसको दिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना को मूर्त रूप दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे, हर व्यक्ति को हर परिवार को रहने के लिए सरकार के माध्यम से छत मिले, मकान मिले और यही भारतीय जनता पार्टी सरकार का मूल आधार भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े स्तर पर आवासहीनों को मकान मिल रहे हैं पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए, किसी का कोई टेक्निकल कारण है या किसी और कारण से उनको मकान मिलने की योजना में सम्मिलित होने का लाभ नहीं मिल पाया। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में नई योजना की शुरुआत की घोषणा की है। वो योजना के माध्यम से वो व्यक्ति जिनको कि अभी तक किसी सरकारी योजना के तहत आवास नहीं मिला है, ऐसे आवासहीन परिवारों को आवास देने की योजना की शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इसमें सभी लाडली बहनाओं को तो आवास मिलेगा ही पर उसके अलावा जो भी आवासहीन परिवार है उनको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत मकान मिलेगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से छूट गए हैं, जो आवास प्लस योजना जो लिस्ट है उससे छूट गए उन सबको ये लाभ मिलेगा। इसका कार्य जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। इसकी पूरी कार्य योजना, इसकी पूरी जो गाइडलाइन है वो बनकर तैयार हो रही है और निश्चित रूप से ये आवासहीन जो हमारे परिवार है उनके लिए बहुत बड़ा योजना का लाभ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने आज दिया है। हम लगातार शिक्षा के प्रचार प्रसार और खासकर उच्च शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लगभग हर बैठक में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नए शासकीय महाविद्यालय खोलने की का निर्णय लिए जा रहे हैं। आज भी 6 नए शासकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय कैबिनेट की बैठक ने लिया है
जो कि शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर जिला उमरिया, शासकीय महाविद्यालय भरेवा जिला उमरिया, शासकीय महाविद्यालय साली चौका जिला नरसिंहपुर, शासकीय महाविद्यालय शिवपुर नर्मदापुरम जिला, शासकीय महाविद्यालय चकलदी सीहोर जिला और शासकीय महाविद्यालय रहटगांव हरदा जिला, इन 6 नए शासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई है। इसमें लगभग 240 नवीन पद सृजित होंगे और लगभग 13 करोड़ 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए का ये व्यय आएगा। टोटल मिलाकर 7 करोड़ 27 लाख रुपए का इसमें खर्चा आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही जो हमारे मेधावी विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना की शुरुआत की थी। इसमें हर वर्ग के वो मेधावी बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे पर आर्थिक स्थिति के कारण वो उच्च शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन से वंचित रह जाते थे, उनके लिए योजना है। और इसमें पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। उस योजना के तहत जेई में जो विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत आते थे, उनकी जो कट ऑफ था उसकी रैंक में 1.5 लाख रैंक तक के ही विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता था। पर आज निर्णय लिया गया है कि इसकी जो सीमा है इसको समाप्त किया जाएगा। जो भी पात्र विद्यार्थी हैं जो कि मेधावी योजना के जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो किसी भी रैंक के होंगे, 1.5 लाख के नीचे रैंक के भी होंगे, तो इनको इसका लाभ मिलेगा। और इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो जेई के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं। ये एक दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकार की ओर से दिया गया है। आज मध्य प्रदेश के एमएसएमई विकास नीति में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट और एक्सप्लेवर प्लांट को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे कि एमएसएमई योजना का जो लाभ, इस नीति का जो लाभ है, इन जो प्लांट है उनको भी अब मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और चुस्त और दुरुस्त हों। उस परिपेक्ष में भोपाल का जो सिविल अस्पताल जो कि 100 बिस्तर का था, के कैलाश काजू अस्पताल, उसको अब 300 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु विशेषज्ञ सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया है। और उसके तहत लगभग 195 पदों का सृजन किया गया है, जिसमें कि आवर्ती व्यय लगभग 714 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्स स्टाफ तो रहेगा ही, उसके साथ साथ अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए साफ सफाई, हाउस कीपिंग, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा, सीसीटीवी सर्वेलेंस, इलेक्ट्रिकल संधारण, लिफ्ट ऑपरेशन, जल आपूर्ति सहित धुलाई, पार्किंग, ये सब व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की जो HLL लाइफ केयर लिमिटेड है उनसे कराए जाने की स्वीकृति भी कैबिनेट द्वारा दी गई है। विगत दिनों गांधी मेडिकल कॉलेज के नए भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए डॉक्टर्स और हेल्थ से जुड़े हुए डॉक्टर्स को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की थी। हमारे चिकित्सीय संवर्ग की एक बड़ी डिमांड बहुत दिनों से थी कि उनकी जो सेवाएं हैं उसको DACP के माध्यम से संचालित किया जाए। उसको लेकर डॉक्टर्स अलग अलग स्तर पर अपनी मांग उठा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया है कि अब मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे चिकित्सक हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जो कि शिक्षा के काम में लगे हैं, और वो डॉक्टर जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमारे अस्पतालों में अपनी
सेवाएं दे रहे हैं उनकी नौकरी अब डीएससीपी के माध्यम से संचालित होगी, और उसमें वेतन मान को लेकर जो भी हमारे डॉक्टर्स की मांग थी उसको पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है। और ये आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में और खासकर हेल्थ सेक्टर के इतिहास में दर्ज होने वाला है। हमारे डॉक्टर्स की के सुविधाओं के उन्नयन के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो शैक्षणिक संवर्ग है उसमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका ग्रेड पे के लिए 3 वर्ष, 7 वर्ष और 14 वर्ष की सेवा अवधि को स्वीकार किया गया है, जिसमें कि उनको 8,000, 9,000 और 10,000 रुपए का वेतनमान मिलेगा। ये एक अपने आप में बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। और उसी तरह जो चिकित्सा शिक्षा के प्रदर्शक और ट्यूटर है, जो MBBS हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका वेतनमान को भी 5, 10, 15 और 30 वर्ष किया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है, जिसके माध्यम से 7,000 का जो ग्रेड पे है वो 5 वर्ष में, 8,000 का ग्रेड पे 10 वर्ष में, 9,000 का ग्रेड पे 15 वर्ष में और 10,000 का ग्रेड पे 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें दिया जाएगा। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट संवर्ग है, विशेषज्ञ संवर्ग जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनको 6,600 नियुक्ति पर 7,600 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर, 8,700 7 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर और 8,900 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर दिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी संवर्ग जो कि सभी विभागों का है, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह विभाग, श्रम विभाग, मेडिकल ऑफिसर्स जो समस्त संवर्ग के हैं, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी और दंत चिकित्सक, इन सभी को ग्रेड पे में 5,400 नियुक्ति पद पर, 6,600 5 वर्ष की सेवा अवधि पर, 7,600 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, 8,700 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर और 8,900 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इस पर कैबिनेट की मोहर लगी है और ये हमारे चिकित्सकों के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम देगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। विगत दिनों उनके सामने एक बात आई थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में जो रसोई कार्यरत हैं उनको केवल 2,000 रुपये मानदेय मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि इसको बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जाएगा। आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत जो रसोई कार्य में लगे हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा और इससे लगभग 714 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। इससे वो रसोई जो मेहनत के साथ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को नीचे तक निस्तारित करते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत दी गई है। विगत दिनों लाडली बहना योजना की से जुड़ी हुई बहनों को सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपए देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। वो जो सावन के महीने में जो बहनों को 450 रुपए में गैस कनेक्शन देना और उसकी जो बची हुई राशि है उसको सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा वहन करने की आज यहाँ उसके निर्णय को कैबिनेट ने पारित किया है। कैन वेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब प्रभावित जो हमारे गांव हैं और जो रहवासी हैं उनके लिए आज बड़ा निर्णय लिया गया है। उसके 22 ग्राम जो है वो प्रभावित हुए हैं, उसमें लगभग 6,700 परिवारों को विशेष पैकेज आज ही कैबिनेट ने दिया है। आज यही निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत अब लाखों वो परिवार जो कि आवासहीन है उनको आवास मिलेगा और उसके साथ ही अन्य योजना के तहत भी जो कैबिनेट में निर्णय लिए गए हैं उस तहत मध्य प्रदेश की आम जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।